दोस्तों, ये जो एनिमल है इसे श्रिम कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसे झींगा कहते हैं, मराठी में इसे कोलम भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसका बिहेवियर कैसा है, ये किस तरीके से मूवमेंट करता है आप देख सकते हैं हाथ में। तो दोस्तों चलिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि तालाब में ये जो झींगा है उसको पकड़ने का तरीका क्या है। दोस्तों ये कास्टनेट, अभी ये बेहतरीन तरीके से कास्टनेट इन्होंने डाला है, क्योंकि कास्टनेट को भी कुछ पॉकेट्स रहते हैं, तो सभी के सभी पॉकेट्स ओपन होना ज़रूरी है। दोस्तों आप फिर से एक बार देख लीजिए, इसका एक पर्टिकुलर डायमेंशन रहता है सर्कुलर, तो सर्कुलर मोशन में तालाब में गिरना ज़रूरी है, और इसके अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स रहते हैं, ये आप देख। तो दोस्तों जब भी हम लोग कास्टनेट तालाब में डालते हैं तो एक पर्टिकुलर बीच में एक रस्सी आती है, इस रस्सी को खींचने से वो सभी पॉकेट्स एक जगह पे आ जाते हैं और वहाँ पे झींगा ट्रैप हो जाता है। इसमें भी आप वीडियो में देख सकते हैं, जो भी झींगा ट्रैप नहीं हुआ है वो कास्टनेट से भागने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों मुझे लगता है इसमें लगभग 8 से 10 किलो का मटेरियल आएगा, झींगा आएगा, और बाहर से इसको उठाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने लड़का अंदर भेजा है। 70,000। आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो में कि किस तरह से झींगा इस कास्टनेट के अंदर ट्रैप हो जाता है। अब इसको हम टब में रखेंगे जहाँ पे तालाब का ही पानी लिया हुआ है। झींगा का मूवमेंट आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी और एक्टिव है। अब उन्हीं पॉकेट में से ये सब झींगा को फ्री करना होगा। दोस्तों आप पर्टिकुलर देख सकते हो पॉकेट्स किस तरीके से पॉकेट रहते हैं, झींगा पूरी तरीके से कास्टनेट से फ्री हुआ है, उसको थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन दिया जाता है उसको। दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों ये जो अभी झींगा हम लोग ले रहे हैं, ये हम लोग चेक करने के लिए कि काउंट कितना है, बहुत ही हेल्दी और एक्टिव झींगा है। दोस्तों मुझे लगता है 24-25 ग्राम का ही झींगा रहेगा ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी चेक करेंगे, इसको एंटेना कहते हैं, और इसी के थ्रू वो अपना जो अन्न है वो फाइंड आउट करता है। तो दोस्तों अगर ये रफ है तो आप समझ जाएंगे इसमें पानी के अंदर बैक्टीरिया लोड है, वायरस लोड है, या फिर कभी कभार ये आधा टूटा हुआ भी रहता है। तो आधा टूटा हुआ तभी रहता है जब इसको फूड की कमी रहती है, फीड की कमी रहती है, तो ये इंडिकेट करता है दोस्तों अपने कुछ लक्षण दिखा के। दोस्तों आप ओवरऑल एक लुक पूरा झींगा का आप देख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों अभी हम इसे फिर से पानी में छोड़ देंगे। दोस्तों हम लोग इसका वेट करेंगे कि 1 kg में कितना पीस आएगा, उसके हिसाब से उसका काउंट तय होता है, काउंट निकालते हैं। तो दोस्तों अब ये गिनने की भी प्रोसेस प्रक्रिया शुरू होगी, एक बकेट में ले लेते हैं और 1 kg में कितना पीसेस आया उसको पूरी तरीके से अच्छे से गिनते हैं।